Fourth class, how are you? I hope that you all will be fine and enjoying good health at your homes. I am teacher Taiba, your SST teacher. Welcome to your SST class. Okay, students, open your book, page number 44. Here you can see a new topic, rules and laws. Okay, today we are going to start a new topic, Asool or Kawaneen. Asool or Kawaneen, बच्चों क्या होते हैं? इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. हमने पढ़ा था कि जो भी मुआशरा तश्कील दिया जाता है वहाँ कुछ रूल्स रखे जाते हैं जिनके अकॉर्डिंग ही फैसले किए जाते हैं, ठीक है, जिनको लागू किया जाता है किसी भी मुआशरे में, ठीक है. और कवानीन भी वही होते हैं, ठीक है, जो कि जिनको हम लोगों ने फॉलो करना होता है, ठीक है. तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये लिखा हुआ है कि मुआशरे में अमन अमान कायम रखने के लिए असूल वज़ा किए जाते हैं. मिसाल के तौर पर हमारे बुज़ुर्ग हमें हदायत देते हैं कि सड़क पर एहतियात से चलें, फुटपाथ का इस्तेमाल करें, यह सड़क पर चलने के असूल हैं. जब यही असूल हुकूमत की जानिब से हर शहरी के लिए एक जैसे हों तो वह कानून की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं. कानून सब के लिए बराबर हैं और कानून की पाबंदी करना हर शहरी का फ़र्ज़ है. इन कवानीन को तोड़ने वाला सज़ा का मुस्तहिक करार पाता है. मुस्तहिक मीन्स बच्चो हकदार, ठीक है. अच्छा बच्चो, अब देखें असूल और कवानीन को. अगर मैं सिंपल वर्डिंग में आपको बताऊँ कि ये क्या होते हैं, तो आप लोगों ने जब भी आप रोड के ऊपर चलते हैं, ठीक है, आप अगर कोई गाड़ी चला रहे हैं तो उधर जो है वो ट्रैफिक सिग्नल्स आप लोग देखते हैं जहाँ पर हमें रुकना होता है, ठीक है. काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो हैं वो रुक जाती हैं, ठीक है, जब रेड लाइट जलती है. तो वो क्यों रुकती हैं? क्योंकि वो असूल को, कवानीन को फॉलो कर रही हैं, ठीक है. और वो कानून क्या है, वो असूल क्या है कि आप इस साइड वाले अभी रुकें, अभी दूसरे साइड वाले चलेंगे और जब आपकी ग्रीन लाइट जलेगी फिर ही आप चलना स्टार्ट करेंगे. जब तक रेड लाइट जल रही है आप लोग यहाँ पर रुके रहेंगे, ठीक है. तो हम लोग उस कानून को फॉलो करते हैं और हम लोग रुक जाते हैं. और अगर कोई ना रुके तो क्या होता है? तो चलान होता है, ठीक है. तो हमें पैसे भरने पड़ते हैं क्योंकि हमने कानून को तोड़ा है, ठीक है. हम लोगों ने रूल को फॉलो नहीं किया. तो ये सारे ये जो रूल्स होते हैं ये गवर्नमेंट जो है ये डिसाइड करती है, ठीक है. ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है कि फलां जो सड़क है अगर उधर फोर वे जा रहा है, ठीक है, चौराहा है कोई, चारों तरफ से सड़कें हैं, तो वहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल्स को हम लोगों ने फॉलो करना है और वहाँ पर रुकना है स्पेसिफ़िक टाइम के लिए, ठीक है. तो ये जो रूल और रेगुलेशंस होते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे रूल्स हैं कि मुआशरे में किसी की जो है चोरी ना की जाए, ठीक है. अगर चोरी करेंगे तो वो हमें जो है सामान वापस देना पड़ेगा, साथ में हमारी सज़ा भी होती है. तो मींस के हर बुरे काम को रोकने के लिए मुआशरे में कुछ चंद असूल और कवानीन बनाए जाते हैं जिसको हम लोगों ने फॉलो करना होता है ताकि एक मुआशरा जो है वो अच्छे तरीके से चल सके, ठीक है बच्चों. तो ये इसकी रीडिंग होगी यहाँ पर. और ये जो आपने है सवाल, अब आपने जो लिखना है वो मैं आपको दिखाती हूँ. आपका सवाल है कि असूल और कवानीन क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है. ये आपका सवाल है, असूल और कवानीन क्यों बनाए जाते हैं. तो इसका आंसर देखें, मुआशरे में अमन अमान और नज़्म व ज़ब्त को कायम रखने के लिए असूल और कवानीन बनाए जाते हैं. कवानीन मुआशरे में बहुत से मकासद को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसा कि शहरियों के हकूक़ और आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन बनाए जाते हैं. कवानीन अफराद के दरमियान तनाज़ात को हल करने और जराइम की रोकथाम में मदद फराहम करते हैं. तनाज़ात बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था ना पिछले चैप्टर्स में, ये लड़ाई झगड़े को बोलते हैं. असूल और कवानीन इसलिए बनाए जाते हैं ताकि एक पुरअमन मुआशरा तशकील पा सके, ठीक है बच्चों. वही सब कुछ है इसमें बताया हुआ जो हमने पढ़ा है. तो ये सवाल बच्चों आप लोगों ने अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना भी है और इसको अच्छे से याद भी कर लेना है. अल्लाह हाफिज़.